गाइस, हर किसी की ये चाहत होती है कि वो सुंदर दिखे, लेकिन कम उम्र में जब बाल सफ़ेद हो जाते हैं, जो कि आजकल के युवाओं के लिए एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय बन गया है, इसके चलते वो जो है अपना कॉन्फिडेंस खोने लगते हैं और डाई जैसी चीज़ों का उपयोग करने लग जाते हैं। डाई के यूज़ के बाद और भी ज़्यादा बाल जो है सफ़ेद हो जाते हैं। और अपने सफ़ेद बालों को दूर करने के लिए हम दवाइयों का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आगे जाके हमें उनके साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करूंगी जिसका बिल्कुल भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, 100% शुद्ध है ये रेमेडी और 100% वर्किंग भी है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है। तो सबसे पहले हम जिस इंग्रेडिएंट का यूज़ करेंगे वो जैसे कि आप लोग इस कटोरी में देख भी सकते हैं, ये है दोस्तों कलौंजी। इसके कई सारे नाम है, इसे ब्लैक अनियन सीड भी कहा जाता है और हिंदी में इसे कलौंजी, मंगरेला, काला जीरा इन नामों से भी जाना जाता है। कलौंजी के इस्तेमाल से जो कम उम्र में हमारे सफ़ेद बाल होते हैं वो बिल्कुल जड़ों से काले बन जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर फ्रेंड्स लिनोलिक एसिड होता है जो कि ना सिर्फ आपके बालों का झड़ना रोकता है, साथ ही साथ आपके सफ़ेद बालों को बिल्कुल काला बना देता है। तो यहाँ पर हम कलौंजी का तो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है, आपको इसे अच्छे से पीस लेना है। यहाँ पर मैंने इसे ऑलरेडी पीस कर रख रखा है, तो आप इसको 2 चम्मच करीब इस बाउल में ले लेंगे, खाली बाउल में इस तरीके से। इसके बाद जो अगला इंग्रेडिएंट आपको लेना है वो अमीनो एसिड का भंडार है, विटामिन बी और विटामिन ई और बहुत ही सारे मिनरल्स उसके अंदर मौजूद होते हैं। तो जिस इंग्रेडिएंट की मैं बात कर रही हूँ वो आपको घर में भी बहुत इजीली मिल जाता है, जो कि है दोस्तों चावल। राइस का यहाँ पर हमें जो है इस्तेमाल करना है इस तरीके से। चाइना, जापान और साउथ ईस्ट एशिया की महिलाएं राइस वाटर का यूज करती है एक हेयर ट्रीटमेंट की तरह, और ये चीज वो दोस्तों सदियों से फॉलो कर रही हैं, इसीलिए उनके जो बाल है बहुत ही ज्यादा शाइनी रहते हैं और बहुत ही ज्यादा काले रहते हैं। और इस मेथड का आप भी प्रयोग कर सकते हो, बस आपको करना कुछ नहीं है, आधा कटोरी से करीब चावल ले लेने हैं, इसको भिगो कर रख देना है, कटोरी पूरी भर देनी है, पानी इतना होना चाहिए कि कटोरी पूरी भर जाए, और फिर आधे घंटे तक इसे इसी तरीके से छोड़ दीजिए और फिर छान लीजिए, और जो उसका पानी होगा उसको आपको यहाँ पर इस तरीके से ले लेना है। इस तरीके से जब आपको ऐसा पानी मिल जाए चावलों का तो आपको इसे इस नुस्खे में भी डाल देना है कुछ इस तरह से। तो इस तरीके से एक बार इसको अच्छे से आपको चला लेना है। जो लास्ट इंग्रेडिएंट यहाँ पर आपको लेना होगा वो है गुलाब जल इस तरीके से। इसको मैं दोस्तों सिर्फ खुशबू के लिए इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि इससे अच्छी सी खुशबू आती है, बल्कि इसलिए भी इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये डैंड्रफ को भी दूर करता है और हेयर फॉल को रोकने के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा कारगर रहता है। तो यहाँ पर गुलाब जल को हमें ले लेना है इस तरीके से, बस 1 चम्मच करीब। अब इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से ऐड कर लीजिए और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आप इसका इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे। इसका इस्तेमाल आपको कब करना है, जब आप शैम्पू के लिए जाएंगे। शैम्पू से बस 10 मिनट पहले इससे अपने बालों को अच्छे से धो लीजिए और थोड़ी देर तक ऐसे ही रखिए, तकरीबन 10 मिनट तक। उसके बाद शैम्पू से आप अपने बालों को धो लीजिए। जब भी आपको शैम्पू करना हो तब आप इस नुस्खे का जरूर इस्तेमाल करें और आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी से आपके जो बाल हैं वो बिल्कुल काले बन जाएंगे, सफेद बालों की समस्या आपकी बिल्कुल जड़ों से खत्म हो जाएगी और आपको बार बार डाई वगैरह लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप लोगों को ये रेमेडी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और प्लीज हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।